शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। रास्ता छोड़ो, मुझे यहाँ से निकलना है। इस साली को तो पागल पहलवान धोबी जैसा पति मिलना चाहिए। जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुझे। झूठ तो वो बोलते हैं जिन्होंने कभी सच बोला और हमने कभी सच नहीं बोला, तो झूठ काहे बोलेंगे, है कि नहीं? तुम लोगों को तुम्हारा हक दिलवा के रहूंगा। जानवरों के हॉस्पिटल में पैदा हुई थी क्या? किए जा रही है, इंसान के जबान में बोल नहीं सकती। शट अप, रास्ता छोड़ो, मुझे यहाँ से निकलना है। चेहरे पर लॉरी की हेडलाइट की तरह जो जो आंखें लगी हुई है ना, अगर उसे खोलकर देखोगी तो पता चलेगा कि ये रास्ता नहीं खेत है। जाना है तो उधर से जाओ। बकवास नहीं चाहिए, मुझे इधर से ही जाना है और मुझे यहाँ अपना काम करना है। आज तक मुझसे जिद करके कोई जीता नहीं है, मैं यहीं से ही जाऊंगी। अरे वो पढ़ लिख कर चाहिनों को शर्माने वाली लड़की, अरे चप्पल पहन कर धान के पौधों को रोलते हुए जा रही है। अरे कभी कड़कती धूप में घुटने पर पानी में कमर झुकाकर पौधों को रोप कर देख, तब तुझे पता चलेगा कि कड़कती धूप में कमर झुकाए अनाज बोएगी मेरी जूती। तो कौड़ी का किसान हमारे अनाज पर जीकर हमी से जबान चलाता है। ये मेरी जमीन है, अगर मैं चाहूँ मैं इसे रोंदूंगी, बल्कि 10-12 लोगों को बुलवाकर कुछ लूंगी भी। अरे मालकी रुक जाइए, ये पाप है। अरे इस घमंडी बाप के औलाद को पाप कौन समझाएगा? इसे कौन बड़ा समझाएगा? काटो। 2 मिनट में समझा दिया ना ऊपर वाले ने, देखा? अरे वो घमंड की मिट्टी से बनी हुई गुरूर की मूर्ति तेरी अक्कड़ गरीबों पर चल सकती है, लेकिन कुदरत के उसूलों पर नहीं। ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, धरती माँ की संतान है। तू अगर इन्हें कुचलेगी तो धरती माँ कैसे बर्दाश्त करेंगी? जा तुम दबाकर भाग, यही धरती माँ की गोद से सांप बिच्छू निकल आए ना तो डंग मार मार के ये गुलाबी रंग नीला कर देंगे। अरे ये क्या है? देखो तो ठाकुर साहब की बेटी आ रही है। आइए अंदर आइए। नहीं, ये सब क्या है? इतनी कड़ी धूप में बिना चप्पल कहाँ से आ रही हैं आप? अंदर आइए ना। नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी होंगी। ऐसा मत कहिए, घर तक आकर अंदर नहीं आए तो हमें बड़ा दुख होगा। थोड़ी देर के लिए आइए ना। संभाल के माँ, देखो तो कौन आया है, जल्दी आओ ना। आप हमारे अहो भाग्य, जो आपके शुभ चरण हमारी कुटिया में पड़े। आइए बैठिए ना। नहीं नहीं, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी नहीं, नहीं, नहीं। ऐसे कैसे जाएंगे आप? ऐसे नहीं जाइएगा, प्यास लगी होगी, कुछ तो पीकर जाइए। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माँ तुम भी कमाल करती हो, मेहमानों से ऐसी बातें पूछी जाती है, जाकर ले आओ ना कुछ। थोड़ी सी छाछ तो पीनी पड़ेगी। लाओ तो सही पहले, तुम जल्दी ले आओ। ऐसे क्यों खड़ी है? काम में कुछ चुप तो नहीं गया? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, कांटा चुप गया है, इतना दर्द हो रहा है कि चला भी नहीं जा रहा। लाइए मैं निकाल दूँ। नहीं, मैं अपने डॉक्टर को बुलवाकर निकलवा लूंगी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? आप हाँ मखा डर रही है, मैं इतनी आराम से निकाल दूंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं, लीजिए छाछ भी लीजिए, हम तो आप ही का दिया हुआ खाते हैं, आप ही का दिया हुआ पीते हैं, आपके लायक अभाव तो हम कर नहीं सकते। माँ देख कर तो रहना चाहिए था, इसमें तो बाल है। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा शगुन है, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। माँ शगुन वगन की बात छोड़ो, पहले छाछ भाई को दूसरा ले आओ। नहीं नहीं, फेंकने की क्या जरूरत है, खामोखा वेस्ट हो जाएगा। अच्छा फिर लीजिए। लक्ष्मी जल्दी से हल्दी कंकू तो ले। हाँ हाँ। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है अब, ये सब मंगलकारी वस्तु है, स्त्री जाति को इसके लिए ना नहीं करनी चाहिए। चूल्हे पे कुछ जल रहा है, धू आ रही है। चूल्हे पे? चूल्हे पे तो मैंने कुछ भी नहीं रखा। नहीं नहीं, जरूर कुछ जल रहा है, बहुत जबरदस्त बुआ रही है, आप जाकर देखिए तो। अच्छा ठीक है। तू पागल है क्या, उसके सामने दूसरा ग्लास छाछ लाने को कह दिया, घर में एक ही ग्लास तो छाछ पड़ी थी। छाछ खट्टी तो नहीं थी ना? नहीं नहीं, बहुत अच्छी थी, मैंने सारी पी ली। देखिए माँ ये लो लीजिए। अच्छा ओके, बाय बाय।
सर से पांव तक चर्बी चढ़ गई है। इस साली को तो पागल पहलवान धोबी जैसा पति मिलना चाहिए। धोबी घाट ले जाकर पटक पटक कर चर्बी उतार दे। क्या बकता है, कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल फूल जैसी। मैंने बुलाया तो अंदर चली आई, बिना कुछ कहे छाछ भी पी ली और जानता है साथ में कुमकुम भी ले गई। हाँ भैया, माँ ठीक कहती है। क्या खाक ठीक कहती है? अरे ये क्या, क्यों तू कहती थी ना मेरे लाल के मुंह से दूध चपकता है, तो देख आज तेरे लाल के मुंह से छाछ चपक रही है। छाछ? जी हाँ छाछ, तुम्हारी दी हुई छाछ उसने बड़े प्रेम से मेरे मुंह पे मार दिया। बड़ी प्यारी बच्ची है। अरे काहे का वेलकम यार कंचन, ये गांव हिंदुस्तान में ही है ना। क्यों? नहीं देख के शक होता है, उन्नति और तरक्की तो इसके करीब से भी नहीं गुजरी है, इससे ज्यादा तो हड़प्पा के जमाने के गांव एडवांस थे। अब अंदर भी चलोगी या शिकायतें ही करती रहोगी? ताजी हवा है, खुली फिजा है, शहर की तरह ना तो कोई धुआं है और ना ही कोई मिलावट। बस थोड़ी देर आराम करो और फिर देखो थकन कैसे गायब हो जाती है, जैसे तूफानी हवा में से धुआं गायब होता है। चलो चलो चलो। What a beautiful sight. क्या मंजर है? Really? शहर में रहने वाले कभी सोच भी नहीं सकते कि गांव की खूबसूरती किसे कहते हैं, कुदरती हुस्न कैसा होता है। यहाँ एक भी लड़का नजर नहीं आता जिसके सामने मोहब्बत का ताना है। My God, हो रहा, चिलचिला के धूप में तलवार की धार चमक रही है। What a poor choice. तुम लोगों की पसंद भी कितनी घटिया है, ये तो हमारा नौकर है। तो क्या हुआ, फराज कौन सा बादशाह का बेटा था, मजनू कौन से गवर्नर की औलाद थी? अरे ये नौकर ही नहीं, बेवकूफ अनपढ़ जाहिल गवार भी है। ए, कमिया। अरे देखो रे देखो, हिंदुस्तानी जमीन पर इंग्लिशानी परियां उतर आई है। ए, तुमने सुना नहीं क्या, बहरे हो, हमारे लिए पेट से कच्चे आम तोड़ कर लाओ। मेरा उसूल है, मैं कच्चे आम और कच्ची कली नहीं तोड़ता। आप खुद को नहीं तोड़ लेती? इडियट, हम क्या तुम्हारे सर पर चढ़ के तोड़ेंगे? सर आंखों पर, आइए ना, आइए 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 आइए। वाह, ये इडियट, ये क्या बदतमीजी है, मुझे नीचे उतारो। मिमसा, मैं कच्चे आम कच्ची कली के साथ साथ कच्ची लड़की भी नहीं तोड़ता। यू फूल इडियट। आओ फूल इडियट, तूने मुझे कुतिया समझ रखा है, एक थप्पड़ मारूंगी सारी अकड़ निकल जाएगी। मार के देख। मारूंगी तो क्या कर लेगा, हाथ तोड़ दूंगा, समझी? अपने भैया से कहकर तेरी जबान ना खिंचवाली तो मेरा नाम नहीं। अरे बहुत देखे तेरे भैया जैसे, अब तू देखना मैं तेरी क्या हालत बना। क्या करेगी तू? पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवाऊंगी, और जिस हाथ से तूने मेरा हाथ मरोड़ा है उसी हाथ में हथकड़ी डलवाकर गांव की गलियों में घसीटवाऊंगी और हंटर मरवा मरवा कर तेरी चमड़ी उधड़वा दूंगी। अरे जा जा, चल 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 फुट जा रे। ए क्या रे, साले भीख मंगे बदमाश, हमारी बहन को आ रही चारी कहके पुकारता है, जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुझे। Thank you.
दंडे पन की कुछ हद भी है या नहीं? देख लूंगा मैं तुझे साले। चल भाग ले चुपते यार। तो रे चुप। चल लूंगा मैं तुझे। अरे छोड़ो। अरे भाग यहाँ से। अरे छोड़ो। दादा कुत्ता कहेगा आप छोड़िए मुझे। मुझे मालूम था एक ना एक दिन ऐसा होगा, इसीलिए मैं वहाँ नौकरी करने से इनकार कर रहा था। मैं तो इतना समझती हूँ, जो किसी के मोहताज होते हैं ना, उन्हें हमेशा नरमी से पेश आना चाहिए। अरे नरमी का मतलब ये तो नहीं है ना माँ, कि दूसरा अपना सर ही कुचल दे फिर भी कुछ न बोले। भैया ने जो भी किया ठीक ही किया। अरे बेटी वो लोग धनवान है, वो चाहे तो सही को गलत और गलत को सही कर सकते हैं, समझी? माँ मैं मानती हूँ हमारे पास दौलत तो नहीं है, क्या अपनी इज्जत और अपना स्वाभिमान भी गवा दे? अगर उन्हें भैया को नौकरी पर नहीं रखना था तो साफ साफ इनकार कर देते। तुम लोग अभी झगड़ा बंद करो और जाओ अपना अपना काम करो। चलो अमीर जादो, अब तक तुम लोग बचते फिरते थे, अब मिला है तुम्हें मुकाबले का दुश्मन। आहा, लड़के की तस्वीर तो देखो माँ, क्या स्टाइल है, क्या रोब है, और इसका टाई बांधने का स्टाइल देखो कितना अप टू डेट है। जरा सोचो हमारी बहन कंचन इसके बाजू में खड़ी होगी तो कितनी फिट लगेगी जोड़ी। फिट फिट तो सब ठीक है, लेकिन पहले ये पता करो इसका खानदान कौन सा है, माँ बाप कैसे है, हमारे समझी बनने के लायक है भी या नहीं। अरे चिराग लेके ढूंढोगी ना माँ तब भी ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। हमारी बहन किस्मत वाली है कि उसे ऐसा दूल्हा मिल रहा है। अरे अपनी बिटिया जैसी दुल्हन भी तो किसी किस्मत वाले को ही मिलेगी। मेरे ख्याल से अगर ये रिश्ता हम छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान में तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा कंचन के लिए। तुम अपना ख्याल तो रहने, उससे शादी करके जिंदगी बितानी है, इसलिए पहले इससे पूछ कर तो देखो। हाँ बेटी तुम्हारी शादी वही होगी जहाँ तुम चाहोगी, अगर तुम्हें कोई एतराज है तो हमें साफ साफ बता दो। हाँ हम लोगों के दबाव में आकर तुम्हें हाँ कहने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं होता तो मैं भैया को पहले ही बता देती। अच्छा अरे अरे अरे, अगर बेटे तुम्हें शादी की तारीख पक्की करनी ही पड़े तो 10-12 दिन के बाद करना, बहुत सी तैयारियां करनी है हमें। मैं सब जानता हूँ, मैं सब ठीक कर लूंगा। शाबाश शाबाश। और अगर वो लोग पूछे कि घर के बड़े बुजुर्ग क्यों नहीं आए तो माकूल सा जवाब देकर मामले को संभाल लेना। ठीक है कंचन, बैठो गाड़ी में। अच्छा डैडी मैं चलती हूँ। ये मनोज कैसे आड़े आ गया निकलते वक्त? भैया उस झोपड़े को तोड़वा कर जला दो और उसी जगह इस गाड़ी को खड़ी करने के लिए एक शेड बना दो, नहीं तो ये गाड़ी उस झोपड़े में घुसा कर उसे चकना चूर कर दो। चोकर भैया, चोकर भैया, चोकर भैया। यार कितनी बार कहा है ठोकर नहीं ठाकुर कहो ठाकुर। अरे लानत भेजो, ठाकुर अगर ठोकर मारे तो ठोकर का ठाकुर बोलना पड़ता है। क्या बकवास कर रहे हैं, और ये लगड़ाते हुए कहाँ से भागे चले आ रहे हो? जान बचा कर आ रहा हूँ। हरामखोर गाड़ी चलाता है कि तलवार चलाता है? एक लड़की साथ में क्या बैठी थी, शराफत के म्यान से चढ़ी भी तलवार की तरह बाहर आ गया। अरे यार किसकी बात कर रहे हो तुम? तो अपने ड्राइवर को समझो तो वरना जानी होगा। अरे यार वो मेरा ड्राइवर नहीं, मेरा बेटा। लगन तो जैसे बेटे पर, अगर मेरा ऐसा बेटा होता तो मैं उसकी क्या मतलब उसका मुंह चूम लेता, उन्हें फेंक देता। किसको फेंका? तुम्हारे बेटे को। मेरा बेटा, मेरा बेटा नहीं, मैं नहीं इनके बेटे को। अरे जाने दो, गल गया थड़ गया मर गया, टॉपिक छोड़ो, मैं बात दूसरी कर रहा था। मैं क्यों अपने बेटे की सेहत की दुश्मन बने हो यार? तुम देखो पीछे 10 साल से गांव के पंचायत के सरपंच हो, पर गांव की हालत देखो, न सर है न पैर है न पंच है। अरे क्या बकवास कर रहे हो यार? मैं ये कह रहा था गांव की सड़कों की हालत देखी कितनी उबड़ खाबड़ हो गई, तो ऐसी सड़कों पे अगर गाड़ी चलेगी तो गाड़ी तो बैलगाड़ी बन जाएगी 2 दिन के अंदर, उनका इंजन पिंजरा अलग हो जाएगा। जब तक तुम गाँव के सरपंच हो दिखावे के लिए तो सड़क की मरम्मत कर डालो। मगर तुम्हें गाँव की सड़कों की चिंता क्यों खाई जा रही? क्योंकि मेरे बाप अगला चुनाव आ रहा है। फिर वही बात, मैं कितनी बार कह चुका हूँ छोटे ठाकुर कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ना चाहता, 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 नहीं। अरे छोटे ठाकुर तुम मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? ये सुनकर कि तुम चुनाव नहीं लड़ रहे हो, मेरे बदन में से झाग निकल रही है। नाश्ते में साबुन खाया था क्या? मेरा मतलब आग निकल रही है। अरे यार इस बरस मेरी बिटिया की शादी होने वाली है। तो मेरी बेटी का क्या तलाक हो रहा है? ओहो तुम समझते नहीं हो, बहुत सारे काम होंगे जो मुझे ही देखने पड़ेंगे। तुम्हें क्या काम देखना है? बराती अपने घर से आएंगे, दूल्हा अपने घोड़े पे बैठ के आएगा, तुम क्या बैंड बजाने वाले हो? और तू बता, जिस कुर्सी पर पिछले 10 साल से ये बैठे उस कुर्सी पर दूसरा कोई भूतनी का बैठ सकता है? क्यों मार रहे बेचारे को? बस एक बात करो छोटे ठाकुर, इस बार चुनाव तुम लड़ो, मैं तुम्हें जिताऊं। क्यों?
कुत्तों की लड़ाई में बिल्ली को कहाँ घुसा रहे हो? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने तो सारे इंतजाम कर दिए, उल्टे सीधे पोस्टर छपवा दिए, आपके नाम के गलत नारे छपवा दिए, और मैंने वो भी इंतजाम कर दिया, हंडिया मंगा ली, बाबू मंगा लिए, आग मंगा ली, सोफा चादर मंगा ली, चटाइयां मंगा ली, नहीं नहीं आरती के लिए नहीं, मतलब पिंडाल बनवाने के लिए, और आप चाहते हैं मैं आपकी कुर्सी पर खड़ा हो जाऊं? आप खाली काम कीजिए, आप गांव वालों को इकट्ठा कर लीजिए, उनके सामने बोल दीजिए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं एक कतूर के तौर पर, और एक डिपॉजिट दे दीजिए 25 रुपए का, आपके पास नहीं मैं दे दूंगा, मेरी दोस्ती कब काम आएगी, बाद में मैं भाभी से मांग लूंगा। भाभी, अरे तू ऐसा करके क्या खड़ा है? कवाली गा रहा है क्या? नहीं। अगर कवाली गाएगा तो बहुत मारूंगा, नहीं, नहीं गाएगा तो उससे ज्यादा मारूंगा, और अगर ये इलेक्शन में खड़े नहीं हुए तो जान से मार डालूंगा। चुनाव में खड़े हो जाइए, आपके खड़े होने में मेरी जिंदगी है, मैं खामखा मरना नहीं चाहता, अगर आप नहीं खड़े हुए तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी, खड़े हो जाइए ना। चुप। आप लोग तो मुझे जानते ही हैं, इसलिए मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूँगा, हमेशा की तरह इस बार भी मैं पंचायत के चुनाव के लिए खड़ा हो रहा, बाकी सब बातें छोटे ठाकुर चंडीदास जी आपको समझाएं। अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि पिछले 10 साल से ये प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे हैं तो उन्होंने क्या कमाल कर दिया, कौन सा तीर मार लिया? किसी ने कहा है कि बिन कहे जो करे सो बड़ा और कह कर जो करे सो छोटा, और ये तो बहुत बड़े हैं, इसीलिए आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और भगवान ने चाहा तो आइंदा भी कुछ नहीं करेंगे। मेरा मतलब है कि बहुत कुछ करने वाले हैं, और क्या करने वाले हैं वो अभी सोचा नहीं, जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो सोच के बतलाएंगे, क्योंकि अभी से बतलाएंगे तो आप लोग समझेंगे हम लोग इलेक्शन के लालच में झूठ बोल रहे हैं, और हमको झूठ बोलने की क्या जरूरत है, झूठ तो वो बोलते हैं जिन्होंने कभी सच बोला, और हमने कभी सच नहीं बोला तो झूठ काहे बोलेंगे, है कि नहीं? इसी बात पर नारा लगाइए, ठाकुर साहब को, बड़े ठाकुर को, बड़े ठाकुर को, बच्चे लोग दौड़ कर ताली बजाओ। चलिए जी, हो गया फैसला, आप इलेक्शन जीत गए, मुबारक हो, किसी में हिम्मत नहीं आपके खिलाफ आवाज लगाने की, है किसी में हिम्मत? मुझ में है। कौन है, कोई परदेसी है क्या? नहीं नहीं, स्वदेशी है। अपने गांव का है, घर का बेटी लंका ठहरा है। रवि, तुमको पता है तुम क्या करने जा रहे हो? हाँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझ में हिम्मत है इनका सामना करने की। सामना करने के लिए सिर्फ हिम्मत का होना जरूरी नहीं है, इस गांव में इनका सामना करने का रिवाज ही नहीं है। इसका मतलब हर बार यही चुनाव लड़ेंगे और यही जीतेंगे? अरे ये आम चुनाव है, जो जीतेगा इस कुर्सी पर वही बैठेगा। अरे तुमको सीधे से खड़े रहना तो आता नहीं, कुर्सी पे क्या हक बैठोगे? और बेटे, तुम क्या इनका सामना करके रहोगे? बिल्कुल, यह आजाद देश है, यहाँ चुनाव में कोई भी किसी का भी मुकाबला कर सकता है। जिस तरह गले में रुमाल बांधने से हर आदमी गुंडा नहीं हो जाता, उसी तरह 25 रुपए डिपॉजिट देकर हर आदमी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। अब अगर तुमको खड़ा होना है तो हो जाओ, मगर तुमको तुम्हारा वोट भी नहीं मिलेगा। जब तुम वोट डालने जाओगे तो घबराहट के मारे अपना वोट इनके डब्बे में डाल के चले। अरे खामोश छोटे, क्यों ऐसे आदमी के मुंह लग रहे हो जो अपनी बराबरी के नहीं? चलो। बड़े ठाकुर जिंदाबाद, बड़े ठाकुर जिंदाबाद। अरे कोई भी इंसान जिसकी बुद्धि भ्रष्ट ना हुई हो ऐसा बेहुदा और गलत कदम नहीं उठा सकता। देख रवि, आप भी कुछ बिगड़ा नहीं, जा चुपचाप जाके चुनाव से अपना नाम वापस ले जा। मगर क्यों? ये देख, इसलिए इस प्रोनोट के लिए, ये वो दस्तावेज है जो हमने मालिक से कर्जा लेते समय उनको अपना सब कुछ लिखकर दे दिया था। अरे आज मुझे मालिक ने बुलाकर कहा, गोविंद ये लो अपना दस्तावेज, ले जाओ फाट डालो इसे, आज से तुम्हारा कर्जा माफ। अरे आज के जमाने में इतना रहम और दरिया दिली कहाँ मिलेगी? अब मामला समझ में आ रहा है कि बाप बेटे के खिलाफ मालिक की वकालत क्यों कर रहा है, क्योंकि उन्होंने बाप का कर्जा माफ कर दिया और उस कर्जे को रिश्वत का तीर बनाकर बाप के हाथों बेटे को घायल कर रहे हैं, ताकि मैं अपना नाम वापस लेने पे मजबूर हो जाऊं। अब तू जो भी समझ, क्या बाप और मालिक दोनों से दुश्मनी मोल लेकर ये चुनाव लड़ना जरूरी है क्या? मेरी बात मान ले बेटा, तू चुपचाप अपना नाम वापस ले ले, इसी बहाने हमारा कर्जा भी चुक जाएगा और हम चैन की जिंदगी जी सकेंगे। गुलामी करते करते इतने कुचले जा चुके हैं, इतने निवाले छिने जा चुके हैं कि सिर्फ आजादी की आवाज उठाने का ख्याल मन में आता है तो डर के मारे भूख की आग से घर जलता हुआ नजर आता है। अगर यही बुजदिली दुनिया की हर कौम में होती तो दुनिया का कोई मुल्क जुल्म के कदम उखाड़ कर आजादी का झंडा न लहराता, न हमारा देश आजाद होता। आज आजादी के बाद भी हम ठाकुरों की गुलामी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा भैया, अगर उन लोगों को भैया का मुकाबला करना अपनी शान के खिलाफ लगता है तो उनसे कह दीजिए वो खुद अपना बड़कपन दिखाए और चुनाव से हट जाए। अरे ये क्यों नहीं सोचते, अगर भैया जीत जाए या सरपंच बन जाए तो कोई तो होगा जो पहली बार गरीबों की आवाज सुनेगा। अरे गरीब अगर गरीब की आवाज सुनेगा तो भी क्या करेगा,
एक भिखारी दूसरे भिखारी को सिर्फ हमदर्दी दे सकता है, भीख नहीं दे सकता। देख रवि, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, जिद मत कर। मैं मानता हूँ तू समझदार है और मैं गवार, लेकिन मैं वफादार हूँ और तू जरूरत से ज्यादा मगरूर। तो कोई ऐसा उपाय निकाल कि मेरी वफादारी और तेरी खुददारी दोनों का खून ना होने पाए। है कोई ऐसा उपाय? एक उपाय है, एक उपाय है। आपकी वफादारी और मेरी खुददारी का खून ना हो, इसका एक ही उपाय है। आप अपने हाथों से मेरा खून कर दीजिए, ताकि दुनिया ये तो कह सकेगी कि बाप ने वफादारी के रंग को गहरा करने के लिए उसमें बेटे का खून भी शामिल कर दिया। दीजिए, मार दीजिए मुझे। भाइयों और सज्जनों, जैसा कि आपको मालूम है कि ठाकुर साहब चुनाव के लिए खड़े हुए हैं और ये रवि उनके खिलाफ खड़ा है, तो ठाकुर साहब की एक शर्त है कि अगर रवि ये चुनाव हार गया तो हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला जाएगा। बोलो रवि, तुमको ये मंजूर है? मंजूर है, लेकिन ये हार गए तो? कौन ये? नामुमकिन, असंभव। इनकी और हार की तो कभी मुलाकात हो ही नहीं सकती। लगता तुमको चलते फिरते आंखें खोल के सपने देखने की आदत पड़ गई है शायद। चलिए सपना ही सही, लेकिन मान लो अगर ये हार गए तो क्या ये भी गांव छोड़कर चले जाएंगे? क्या तुम इन्हें गांव छोड़कर जाने के लिए कह रहे हो? क्या ये बेघर है, बेजड़ है, फकीर है, कोड़ी है, बेकारी है? नहीं, मतलब ये दौलत वाले हैं, इज्जत वाले हैं, रईस हैं, ये गांव छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तो फिर मैं कैसे चला जाऊं? मैं मजदूर हूँ, मेरी मेहनत मेरी जायदाद है, मेरी ताकत मेरी दौलत है, मैं इस मिट्टी में जन्मा हूँ, इस गांव के हवा में सांस ली है, यही के पानी से अपनी प्यास बुझाई है। तो इन्होंने क्या यहाँ के पानी में डुबकी लगाई है? सीधे बोलो ना, क्या चाहिए तुमको? चुनौती और शर्त दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए। बताओ अगर ये हार जाएंगे तो क्या करेंगे? उस तरह फिरा के सर मुंडवा लेंगे बस। मुझसे मेरा पूरा गांव छुड़वा रहे हो और इनके सिर्फ बाल जाएंगे जो पहले से ही सफेद हो चुके हैं। अरे तुम्हारा गांव छूट रहा है तो इनसे दुनिया छुड़वा ले। चलो हजार दो हजार दिलवा देना उनसे। तू आए तुम्हारे हजार दो हजार पे, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, शर्त लगा रहा हूँ। पैसा नहीं देंगे तो क्या ये अपनी बेटी देंगे तुमको? ये हुई ना इंसान की बात, छोटे देखो। हाँ ठाकुर साहब को ये बात मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। अच्छी बात, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये लुच्चा लफंगा दो कोड़ी का मजदूर अगर गांव छोड़ने के लिए तैयार है तो क्या मैं इसके लिए अपनी बेटी को धोखा लगा दूं? अरे आप चुप रहिए ना, अकल है ना शकल। छोड़े, मेरा मतलब है आप जरा चुप रहिए। बड़ी मुश्किल से जाकर ये साला हमारे शिकंजे में फंसा है और ऐसा फंसा है कि दम निकल जाएगा, मगर ये साला नहीं निकलने पाएगा। इससे सिर्फ एक ही बात कहो, ये लिख कर दे कि अगर चुनाव में हार गया तो ये गांव छोड़कर चला जाएगा। शौक से लिखवाइए। रोहन मेहरबान, स्टैंप पेपर लाओ। लो मुखिया जी, लिखो। मैं? तो क्या मैं? लिखो वरना मुखिया गिरी खतरे में आ जाएगी। हाँ लिखता हूँ। बस करो, कितना लिख रहे हो यार? बस हाँ। रवि आखिरी बार ठीक से फिर सोच लो, उसके बाद पढ़ो, उसके बाद दस्तखत करो। लेकिन अपना जानता है कि अंगूठे छापो? हाँ इतना तो जानता हूँ कि आपकी किस्मत पलट कर अपने कलम से अपनी किस्मत लिख सकता हूँ। किस्मत तो तुम्हारी पुराने मटके की तरह फूट चुकी है बेटे, इसलिए तुमको हरी हरी सूझ रही है। लोदान, लोदान मुबारक हो, जीत गए। चलो भाई उठो, चलो 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 चलो। ठहरो बुजुर्गों भाइयों, एक मिनट। क्या बात खत्म कहाँ हुई है? अभी तो आधी बाकी है। क्या मतलब आधी? कैसे बाकी है? कागज पर लिखवा कर मेरे दस्तखत तो ले लिए। तो इनके दस्तखत कौन लेगा? मैं है। तो तुम्हारा मतलब है कि ये भी स्टैंप पेपर पर लिख के दे कि अगर ये इलेक्शन में हार गए तो ये अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करवा देंगे? कायदा तो यही कहता है, पर आपने अभी अभी कहा कि हर बात कागज पर लिखी होनी चाहिए, जबान पर विश्वास नहीं। ये तो बड़ी जिल्लत की बात है। क्यों? जो बात मुंह से कही वो बात लिखकर देने में जिल्लत कैसी? नहीं, मैं नहीं ले सकता। मैं हूँ ना, तुम घबराते क्यों? अरे हाथ हटाओ, दिए मुझे नहीं लगा कि चुनाव लड़ाओ। मेरी सुन, चुप, छोड़ो मुझे। क्या करते हैं आपको भी कभी कभी लगता है बेवकूफ की मिर्गी आ जाती है, चलते चलते पलटी मार देते हैं। तो और क्या करूं? अरे बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, आप पीछे हट रहे हैं, नाम वापस ले रहे हैं, तो वो तो बैठे बैठा जीत जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ता बात कीजिए, वरना गांव वाले हमारे खिलाफ नारा लगाना शुरू कर देंगे। अभी मामला गर्म हो चुका है तो आप उसमें बर्फ का ठंडा पानी डाल रहे हैं। जरा सोचिए, आपका गुलाम आपके पैरों को चंपी करने वाला, उसका बेटा आपको चैलेंज कर रहा है और आप उसका मुकाबला करने के बजाय दुम दबा के भाग रहे। अरे हो सकता है कल गांव वाले ये देखकर आपके मुंह पर थूकना शुरू कर दे। मैं भी थूक दो नहीं, मैं बता रहा हूँ। मेरा क्या, मेरा तो दूध खराब हो जाएगा। ऐसा जलील काम मत करो मेरे बाप, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, ऐसा मत करो। लड़ो हैं, जलील काम हो जाएगा, नहीं तो देख रहे हैं। और एक नौकर की बेटी के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, कैसे लिख कर देना? क्या क्या जिल्लत का काम नहीं है?
अरे आप तो ऐसी बात करते हैं जैसे वो नौकर की औलाद। आपसे जीत गया, आप हार गए और आपको उसको बेटी देनी पड़ रही है। कभी ना होने वाली बात को होने वाली बात समझकर आप गाँव गाँव डरते रहते। क्या क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप ही जीतेंगे। विश्वास नहीं आता तो गाँव वालों से पूछिए। मेरे प्यारे साथियों, मैं इस चुनाव में तभी खड़ा होऊंगा अगर आप सब लोग ये वादा करें कि इस चुनाव में वोट देकर आप मुझे जिताएंगे। तो क्या आप सब लोग मुझे वोट देंगे? अड़ियल टट्टू रवि कबच्चा, हमारे मनपसंद ठाकुर साहब रवि कबच्चा, ये जो नारे लगा रहे हैं ये तो लौंडे लफाड़िए हैं, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो क्या हुआ, इनके माँ बाप को तो है ना? ये लोग यतीम खाने से इनके माँ बाप नहीं है। अब तो तसल्ली हो गई ना, लिखवाओ कागज में। गुलाबान कागज निकाल, लिखिए। क्या लिखूं? ये बताना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना, लिखो यार। लिखता मैं बड़े ठाकुर, ठाकुर अगर मैं इलेक्शन में हार गया तो। नहीं, ये तो कानून की जबान है, लिखने से कोई थोड़ी हार जाता है। आहिस्ता नहीं तो दस्तखत नहीं करेगा। तो मैं अपनी बेटी कंचन का हाथ रवि के हाथ में देकर उसको अपना दामाद बना लूंगा। अब वही होगा जो भगवान को मंजूर होगा। ये तुम रखो और ये आप रखिए। खा नहीं रहे? कुछ परेशान है? पद्मा, मैं ये चुनाव जीत जाऊंगा ना? लो, पिछले 10 वर्षों में तो ये डर कभी पैदा हुआ नहीं, आज क्यों हो रहा है? अरे भाई, पहले कुछ और बात थी, मैं अकेला खड़ा होता था चुनाव जीत जाता था, मेरा कोई विरोधी नहीं था। आज मामला बदल गया है। ये कंचन का वापस लौट रही है? खत में तो लिखा है कि शहर घूमकर एक दो दिन में वापस आ जाएगी, पर ये अचानक कंचन का कैसे ख्याल आ गया? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही इस कमबख्त चंडीदास ने मुझे बैठे बिठाए एक बखेड़े में फंसा दिया है। तो ये कौन सी नई बात है, वो तो कलयुग का नारद है। मुझे भी एक ऐसी चक्कर में फंसा दिया है उसने। अगर मैं ये चुनाव हार गया तो कंचन की शादी रवि के साथ कर दूंगा। ये कागज पंचों के सामने मुझसे लिखवा कर वही कागज रवि के हाथ में थमा दिया है। हे भगवान, आपने ये लिख कर दे दिया? लड्डू लेते जाइए भाइयों, लड्डू लेते जाइए ठाकुर साहब, लड्डू लेते जाइए। एक आदमी एक ही लड्डू, दो दो काम ले लो। लड्डू लेते जाओ ठाकुर साहब की सगाई। अरे ठाकुर साहब के नारे लगाते जाओ। अरे मुंह में ठाकुर साहब का लड्डू डाल लिया है, लड्डू में से ठाकुर साहब के लिए आवाज तो निकालो। ठाकुर साहब, अबे बबम बबम नहीं, जिंदाबाद ठाकुर साहब। अबे मुंह में ठाकुर का लड्डू है, लड्डू में से ठाकुर की आवाज नहीं निकलता, बोल ठाकुर साहब। जिंदाबाद। तुम लोगों को तुम्हारा हक दिलवा के रहूंगा, तुम्हारी गंभीर समस्याओं को दिल्ली लेकर जाऊंगा। ये खड़े खड़े पार्लियामेंट में जाएंगे इसी जीत में, और अफ्रीका में हो रहे जुल्मों को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अत्याचार सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि तमाम इंसानी बरादरी पर हो रहा है। मैं अपने भाषण के बारूद से युवाओं को उड़ा कर रख दूंगा और अफ्रीका को आजादी दिलवा कर रहूंगा। तू क्यों ताली बजा रहा है? तेरा बाप अफ्रीका का था? नहीं। तेरी माँ अफ्रीका की थी? नहीं। तेरे मालूम अफ्रीका किधर है? हाँ, एक बार मैंने नक्शे में देखा था, आजमगढ़ के बाजू में है। अच्छा, वो बता दिया, मुझे नहीं मालूम था। इसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। मैं खाली लिखा हूँ, पढ़ा नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अगले दिन अगर कोई पूछे तो कहना मैंने तुझको बताया था। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आप लोग अपना कीमती वोट मुझे ही देंगे। और शरीर ढाकने के लिए आपने कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहा। कहना क्या है, हम जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं है। ये देखो, ये लो, छोड़ दो, छोड़ छोड़ छोड़, ये लो। लगता है आपके भाषण का लोगों पे काफी अच्छा असर पड़ा है। क्या मतलब? मतलब कपड़े ये खराब हो गया। अरे कल वोट लेना तो आज कपड़े देने पड़ेंगे। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, कपड़ा दो। ठाकुर साहब, कपड़ा दो। कपड़े सबको देंगे। इसे कहते हैं भूखी जनता का नंगा लीडर। तुम सच्चाई का स्तंभ हो, कुर्बानी का कुतुब मीनार हो। ठाकुर साहब, मेरी तमन्ना है कि काल दुनिया के तमाम अखबारों में आज तुम्हारी ऐसी हालत में तस्वीर छप सकती तो कल दुनिया को पता चलता कि जनता को कल नंगा करने वाला लीडर आज खुद नंगा खड़ा हुआ। मैं तो कहता हूँ आप ऐसी रहा कीजिए, आप ऐसे अच्छे लगते हैं, कपड़ों में ज्यादा नंगे दिखते हैं, नंगे में ज्यादा शरीफ लगते हैं। चुप चुप,
ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। देवी माँ, तू सारे संसार की माँ है। आज तेरे गरीब बेटे की इज्जत का सवाल है। वो हार गया तो तेरे सामने सर झुकाने वाले सारे गरीब बेटों की हार होगी माँ। गरीबों के दुख के लिए तड़पने वाले तेरे बेटे को इज्जत से जिता दे माँ। माँ, ये छोटी सी भेंट है, इसे स्वीकार कर लो। ये मेरे मन्नत की निशानी है। पुजारी जी, ये साड़ी लीजिए, माता पे चढ़ा दीजिए। गंगापुर के वासियों, वोटों की गिनती जिस प्रकार से चल रही है, ये वोटों की गिनती खत्म क्यों नहीं हो रही है? उन्हीं वोटों को बार बार गिने गए लोग। ऐसा ही कुछ लग रहा है। अरे फिक्र मत करो, आप हारेंगे। नहीं नहीं, जीतेंगे। मुंह से निकल गया। 1195 ठाकुर साहब, ये रवि का बच्चा तो हाथ में मंगलसूत्र लेके घूम रहा है। क्या, किसने? सुना नहीं आपने? वोटों की गिनती में हम आपसे आगे हैं, मतलब आपसे लीड कर रहे हैं। तुम लीड कर रहे हो तो ठाकुर साहब के लीड कर रहे हैं। जी 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 जी। अरे वो हम लोगों की बेईमानी के वोटों का बक्सा किधर गया? ए जिंदा के मर गया। लोमान यहाँ खड़ा रहे और जैसे ही इलेक्शन का नतीजा निकले मुझे खबर कर देना। और ठाकुर साहब का ख्याल रखना, खुद भी मत डरना, इनको भी डरने मत देना। मैं अभी आया। कैसे टेढ़े मेढ़े चल रहे? नहीं, अब ग्राम पंचायत के चुनाव का परिणाम घोषित किया जा रहा है। रवि कुमार अपने विरोधी ठाकुर अटल सिंह को 1000 मतों से पछाड़कर यह चुनाव जीत गए। बेटी, तू क्यों आ गई? जी मेरा मतलब है, तू कब आई? बस मैं अभी आई हूँ। वो तेरा भाई कहाँ? हम लोग कार से पहले आ गए थे। दूल्हे के माँ बाप ट्रेन से आ रहे हैं, भैया कार लेकर स्टेशन गए हैं। अच्छा, तू चल चल जिम में बैठ जा। अरे हम तो अभी अभी आए और आप जाने को कह रहे, आखिर बात क्या है डैडी? मैंने कहा ना, बाद में बताऊंगा। चल तुम अपना सामान उठा। अरे भाई, जीप उठाकर सामान में रखो। ओहो, क्या मुसीबत है, ये कबक चंडी नास उसका सत्यानाश हो। अरे भाई, सामान उठाकर जल्दी से जीप में रखो। रवि भैया जिंदाबाद, 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 रवि भैया। अरे नदी की गाड़ी कैसे मोड़ू? अरे तुम कैसा ड्राइवर है, जल्दी से गाड़ी मोड़ो। ये क्या हंगामा है डैडी? कुछ नहीं कुछ नहीं बेटी, ये गांव के नीचे लफंगे हैं ना, दारू पी के हंगामा कर रहे हैं। ठाकुर साहब, अपने इकरारनामा को ठोकर मारकर और रवि की जीत की खबर सुनकर अपनी बेटी को लेकर गांव से भाग जाने की कोशिश कर रहे थे, शर्म आनी चाहिए आपको। कौन भाग रहा था? मैं भाग थोड़ी रहा था। तो क्या बेटी को साथ लेकर गांव आपका स्वागत करने जा रहे थे? पहले ये सिग्नल चलाना बंद करो और सीधे मुंह बात करो। तू अंदर जा, डैडी मगर तू अंदर जा बेटी। चलो तुम मेरे साथ आओ, चलो।